आज हम सफ़र नंबर 112 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। सर वो कल जो ऐप का वो ऐड किया था मैंने क्लासरूम। हेलो जी जी बिल्कुल, वो आपने ऐड हो गए। बस उसका ये फ़ायदा होता है कि देखो ना, स्टूडेंट की प्रोग्रेस पता चलती रहती है। आप जो भी आप काम करेंगे ना, मुझे पता चलता जाएगा साथ साथ आपने क्या क्या काम किए हैं। सर मुझे उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आपको आ गया मतलब कि क्लास में ऐड है ये? बिल्कुल, वो आपको बस आप कुछ नहीं हो आएगा, बस आपका नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अलबत्ता जो कुछ आप चलिए करेंगे ना उस ऐप के अंदर, वो फिर मुझे जी बताते जी रहे कि स्टूडेंट ने ये काम कर लिया। ठीक ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहवारुस सानी उन्जुर वस्तमी वाइद अल मुदीफा ठीक है, एयर माजा होस्टेस। मुदीफा माजा तत्लुबीना में मिन तत्लुबीना, तत्लुबीना मिनत मिनत तोमी तत्लुबीना तत्लुबीना वही तत्लुबु मर्द के लिए होता है, तत्लुबीना औरत के लिए होता है। आप खाने में क्या तलब करेंगी? तलब करेंगे। ठीक हो गया। अल मुसाफिरा बादस बादस समाकी व वल अर्ज अर्जी, वल अर्जी में फजली की समक मछली, अरुस चावल। बास का उर्दू में भी बाज ही कहते हैं, सम। सर मैं फजली की यस प्लीज। मिन फजलिक प्लीज, ये दरख्वास्त के लिए होता है। सवाल जब ना कोई चीज़ मांगता है किसी से, उस टाइम मिन फजलिक कहते हैं, प्लीज। चावल को क्या कहते हैं? वल अर्दा वल अर्जा चावल को कहते हैं आरुज। आरुज आरुज। ठीक हो गया था। अल मदीफा व माजा तत्ली बीना मिनत शराबी आप पीने में क्या पसंद करेंगे? जी आप खा पीने में क्या तलब करेंगी, ड्रिंक्स में क्या तलब करेंगी? अरे मुसाफिरा मा मा माई में फजली की मा अन मिन फजलिक, मा माइन माइन मतलब सर मान कहते हैं पानी को। मान। ठीक हो गया सर मान। फिर कहते सर अल मुदीफा व माजा तफद्दलीना में फाकिया मिनफ फाकिया मतलब फाकिया फ्रूट। तो फद्दलीना अब आप प्रीफर करेंगी, आप फ्रूट में क्या प्रीफर करेंगी? हो गया। अल मुसाफिरा अतमरा अवल इनाबा, अतमरा इनब अविल इनाबा। तमर कहते हैं डेट्स को, खजूर को। इनब कहते हैं अंगूर को। अल मदीफा अल तश रबीना बीना शाई हाल का क्या मतलब है? क्या तशरीबीना आप या पियेंगी, अशाई या चाय? अच्छा ये अच्छा है। मैं मुसाफिर अल्लाह अफ दिलो कावा उफद्दिलुल कहवा, फद्दिलुल कावा नहीं मैं कॉफी प्रीफर करूंगी। ठीक हो गया। अल मुदीफा अल कहुआ था बिल हलीब दूध के साथ। कॉफी दूध के साथ, ठीक है। अल मुसाफिरा नाम अकाफा बिल हलीबी जी
दूध के साथ मिल्क कॉफी। बिल्कुल मिल्क कॉफी, यानी कि कॉफी दूध के साथ पिएगी, वो मिल्क कॉफी पिएगी। अल मुजैफा, अल मुजीफा, अल मुजीफा, हल तुरिदीना शैयन आखिरा, हल तुरिदीना तुरीदीन आप चाहेंगे हैं, शयन आखिरा समथिंग एल्स, डू यू वांट एनीथिंग एल्स। सही ना, ठीक है। अल मुसाफिरा, ला वश्कुर, वश्कुरा, अल मुदेफा, अफवन। अफवन, इट्स ओके, शुक्रिया के जवाब में हम अफवन कहते हैं। कोई मुश्किल लफ्ज नहीं सर। दोबारा पढ़ें इसको स्पीड से। المضيفة ماذا تتلي بينا من الطعام المسافرة بعد بعد السماك والأرزي، والأرز من فضلك المضيفة وماذا تتلي بينا من الشراب المسافرة معي ما معا من فضلك المدافع وماذا تفضلين من فاكهة المسافرة التمرة أو الإنبة التمرة أو الإنبة. التمرة أو الإنبة المضيفة هل تشربين شيء المسافرة لا أفضل القهوة أفضل المضيفة القهوة. أفضل القهوة المضيفة القهوة بالحليب المضيفة. المضيفة المسافرة نعم القهوة بالحليب المضيفة هل تريدين شيئا آخر المسافرة لا وشكرا المضيفة عفوا आज मेरे बैकग्राउंड में ज़्यादा शोर आ रहा है या कम आ रहा है कल की बनिस्पत? ज्यादा है जरकाल की नस्बत हो ज्यादा हाँ सर, मैं आज अभी। बारिश तेज़ है ना, तो टीम का शोर भी ज़्यादा है। कल बारिश अच्छा थोड़ी सी अच्छा आहिस्ता थी, कल से ठीक लगातार बारिश ही लगी हुई है बस। आगे المفردات الأرض انظر واستمع واعد ماء قهوة شاي حليب شراب تمر عنب طعام يطلب يشرب يشربوا يطلبوا، ठीक है। नेक्स्ट تدريب أحب أنس أن أكتب بالأسئلة باختصار ماذا أجيب طلب وكيف، ठीक है سر كونتينيو करें। सही है, कंटिन्यू करें। مطلب مختصر مختصر جواب دیں سوالوں کے बिल्कुल, सवालों के मुतालिक मुख्तसर जवाब दें। माजा तदरीब तलबत उत्तराब का मतलब कंप्रिहेंशन एक्सरसाइज। ठीक हो गया तदरीब या भी माजा तलबत मुसाफिरा तो मिनत मिनत तो आमी अब तलबत के ऊपर सुकून है और सुकून के बाद अलिफ लाम है, तो हम लिखेंगे सुकून, पढ़ेंगे कसरा, तलबतिल मुसाफिरतु। तलबतिल मुसाफिरा तो मिनत तो आमी मुसाफर खाने में क्या खाएं हाँ, जो मुसाफिर है वो खातून है, वो खाने में क्या तलब किया उसने? तलबत माजी है, ठीक हो गया सर खातून मुसाफिरा ने खाने में क्या तलब किया? नमक मत और अर्दो ठीक है, तलबत बाज़ समकी वल अरुज़ी,
طلبت بعض الرز بس بعض السمك والرز من الطعام. ठीक है, ماذا طلبت من الشراب؟ طلبت قهوة من الشراب. طلبت ماء من الشراب. ماء من الشراب. ماذا طلبت من الفاكهة؟ الفاكهة کا کیا مطلب تھا؟ فروٹ. ماذا طلبت من، اس نے فروٹ میں کیا طلب کیا؟ हाँ, तो उसने कहा था या तो खजूर ले आओ या फिर अंगूर ले आओ, दो ऑप्शन दिए थे उसने औरत ने। जी, खजूर को क्या कहते हैं? तलबत तमरा वल इनाबा। तमरा और इनाबा। तलबत तमरा वल इनाबा मिनल फाकिया। ठीक हो गया। हल تشربوا الشاي؟ क्या वो चाय पिएगी? ला। ठीक है, बस ला ला ستشرب الشاي। ستشرب الشاي ماذا ستشرب؟ وہ کیا پیے؟ صحیح ہے, वो है सर कावा हलीम। ठीक है, सतश्रबुल कहवाता। सतश्रबुल कहवाता हलीम। बिल हलीबी, सतश्रबुल कहवाता बिल हलीबी। सर ये वो सा जो आया हुआ ये फ्यूचर वाला है ना? ये सा बिल्कुल जो सीन है ये फ्यूचर वाला सीन है सा। ठीक हो गया। أين دار هذا الحوار؟ حوار سوال کی سمجھ آئی؟ أين کہاں دار دارا ٹو پلیس اچھا حوار مکالمہ ڈائلاگ ہاں یہ ڈائلاگ کہاں ہوا جہاز میں طیارہ ٹھیک ہے دارا هذا الحوار بالطائرتي بالطائرتي طائرتي بالطائرتي ٹھیک ہو گیا اب آپ سے سوال ہے ماذا تفضل انت العنب ام التمر ماذا تفضل انت آپ کیا لیں گے آپ کیا پریفر کرتے ہیں انگور یا کھجور لیمب الامبا افضل الانبا افضل الانبا ماذا تفضل القهوة ام الشاي افضل القهوة ٹھیک ہو گیا نیکسٹ الحوار الثالث انظر واستمع واحد الزوج السلام عليكم الزوجة وعليكم السلام الزوج أنا جوعان جوعان جدا أنا جوعان جدا جوعان مطلب جوعان بھوکا انا جوان جدا بہت جدا جدا بہت میں بہت ہنگری ہوں بہت بھوکا ہوں اغداؤن على مائدہ ٹھیک ہے عائدہ دسترخوان على المائدہ انگلش المائدہ سر دسترخوان پر جو لنچ ہے وہ دسترخوان پر ہے صحیح ہوگا دسترخوان کی انگلش کیا ہوگی
दस्तरखान, हाँ जी डाइनिंग टेबल, टेबल वो तो टेबल तो नहीं होता होते, डाइनिंग है दस्तरखान। पता नहीं सर, डाइनिंग प्लेस, प्लेस भी नहीं है, डाइनिंग कारपेट। चलो डाइनिंग कारपेट ही कर लेते हैं। नेक्स्ट अज़ौज माहाज़ा अस्मुकु वलहम वला सिपाकुन वला वला वलामुन वद्दजाजुन वअर्जुन वसलाततुन वफाकियातुन हाजा कसीरुन जिद्दा। माहाजा और क्या, समकुन, समकुन माहज़ा, ये मतलब क्या कुछ? है आगे जो निशान लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ताजुब का निशान लगा हुआ नजर आ रहा है ना। ताजुब, हाँ ताजुब, एक्सक्लेमेटरी मार्क। जी सर। सामक जाइए लहमुन, तमकुन वाला लहमुन मतलब सर? लाहमुन गोश्त, समक मछली। वद दजाजन, मुर्गी वारुदु, वारुदु चावल, चावल वसलाततुन सलेड, स्वाद, वफाकियातुन फ्रूट, फ्रूट। हाजा कसीरुन जिदा। ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। अजौजा लता कुलू नाम के ऊपर सुकून है, जिसका मतलब है ये फेल अमर है। ला ताकुल, ला ताकुल, मत खाओ मत खाओ। लता कुल इग्लिस। बैठ जाओ, ये भी फेल अमर है। ठीक है, यानी कि उसने उसको डांट कर कहा कि मत खाओ बैठ जाओ। इग्लिस ठीक हो आपको गया। डांट मतलब सर पर उसने कहा कि ये सारी चीजें हैं, और क्या नाम उसका, ये तो बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या कहा कि मत खाओ मत खाओ। हाँ, यानी कि उसने देखा ना कि बहुत ज्यादा खाना पड़ा है, फजूल खर्ची हो रही है। अच्छा, वो हाँ तो फिर उसकी वाइफ ने कहा बैठ जाओ मत खाओ। गुस्से होके कहा। नहीं नहीं वैसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ, गुस्से से नहीं। यानी कि उसने वैसे कहा, आगे वजह बताइए क्यों मना कर रही है। तो यहाँ पर उसने मना किया कि मत खाओ और बैठ जाओ। ताकुल जो है वो खाना है सर। हाँ ताकुल का मतलब होता है खाना आप खाते हो, ला ताकुल का मतलब है आप मत खाओ, आप मत खाओ। और मैं खाता हूं आकुल, आकुल आकुलू। आकुलू। ठीक, अज़ौज लिमाज़ा अना जुआनुन, मैं भूखा हूँ। हाँ लिमाज़ा क्यों, लिमाज़ा क्यों, आना जुआन, मैं भूखा हूँ। ठीक, अज़ौजा लदी लदीना, लदीना 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 दियूफन, ठीक है। मतलब सर लदीना लदीना हमारे, दियूफन हाँ हमारे पास, हमारे। हम हाँ जुयूफुन मेहमान, हमारे यहाँ मेहमान है। अच्छा, लदीना दियूफुन, हमारे पास मेहमान है। अजौज लदीना दियूफुन मन, कौन मेहमान, कौन हमारे यहाँ मतलब के वो मेहमान है, पूछ रहे। मन कौन। अजौजा वालिदी वालिदती वा अखी, अम्मी अब्बू और भाई। ठीक अजौज अइना दियूफु, कहाँ है मेहमान, कहाँ है। ठीक है सही। अजौजा गुरफा तिल जुलूस, वो लिविंग रूम में। सही होंगे।
इसको मुश्किल आज जी सर? कोई मुश्किल लफ्ज? नहीं सर, हो गया। इकरा मरतन उखरा। इकरा मरतन उखरा, दोबारा पढ़ो। इकरा मरतन उखरा। अज़ौज अस्सलाम वालेकुम, अज़ौजा वालेकुम अस्सलाम, अज़ौजे अज़ौज अना जुआनुन जिद्दा, अज़ौजा अलवदाउ अला معدتين الزوج ما هذا سمك واللحم ودجاج وأرز وسلطات وفاكهة هذا كثير جدا الزوج لا تأكل لا تأكل اجلس الزوج لماذا أنا جوع جوعان جوعان الزوجة لدينا ضيوف لدينا ضيوف الزوج لدينا ضيوف من الزوجة والدي والدتي وأخي الزوج أين ضيوف الزوجة في غرفة الجلوس المفردات الأرض انظروا واستمعوا وعد ضيوف جوعان في الأمر سكون ہوتا ہے انظر واستمع وعد ضيوف جوعان مائدة صلاتات يجلس زوجة زوج دجاج دجاجة لحمة تدريب أجيب عن الأسئلة باختصار عن الأسئلة من الجوع من الجوعان مہمان کہاں ہے جوان بھوکا ہنگری کون ہے ہو از ہنگری اچھا اچھا الزوج من کے اوپر نہ سکون ہوتا ہے الف لام کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پہ کسرہ پڑھا ہے منیل جوان الزوج جوان ٹھیک ہے ایو وجبتن علی المائدتی ایو وجبتن ایو وجبہ کہتے ہیں میل کو ایو کون سی مائدہ دسترخوان لنچ لنچ کو کیا کہتے ہیں سر الغدا 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 علی المائدہ تھی جی الغدا او علی المائدہ الغدا او علی المائدہ مطعم الغداری غدائی ٹھیک ہے نام کیا تعامل کہتے ہیں کھانا لنچ کا کھانا کیا ہے سر مچھلی ہے گوشت ہے ہاں بس یہ سب چیزیں آپ نے نام لینی ہے تو آپ نے یوں شروع کرنا ہے تعامل غدائی سمکن و لحمن و دجاجن و عروزن و سلطتن و فاقیاتن اس طرح جواب دیں جی السمك واللحم والدجاج والارض والغذائي پھر آگے دو نقطے ڈالنے ہو رہے پہلے آپ نے لکھنا ہے طعام الغذائي پھر آگے ریشو والے دو نقطے ڈالنے پھر آگے کہنا ہے سمک واللحم ٹھیک ہو گیا طعام الغذائي سمك واللحم والدجاج والارض واللحم سمك ودجاج وارز وسلاطة وفاكهة next
नेक्स्ट मन इज ज़ियूफ, मन का मतलब है कौन, ज़ियूफ मेहमान, मेहमान कौन है। मैंने वालिद वालिदा अखी हमने कहना है वालिदुहा उसके अबू, वा वालिदतुहा उसकी अम्मी, वा अखुहा और उसका भाई। जी सर। दोबारा जवाब दें। वालिदीहा वालिदुहा वालिदती वालिदुहा वालिदतीहा वालिदतुहा वालिदतुहा वाखीहा वाखुहा। वाखुहा। नेक्स्ट अगला अइना हुम ठीक है। अइना हुम वो कौन वो कहाँ है कहाँ यार, है वो मतलब है कहाँ। कहाँ है। जी सर फी गुरफतिल जुलूस। ठीक है हम फी गुल्फातिल जुलूसी। नेक्स्ट अइना हाजा हाजल हिवारू ये डायलॉग कहाँ हुआ, मायदा के ऊपर हुआ, दस्तरखान के ऊपर हुआ। सर। आजा माइदा हाजल हेवारु अलल आजा माइदा। आजल हिवारु अलल माइदा माजा ताकुलू फी गदाई। अब आपसे सवाल पूछते हैं, आप लंच में क्या खाते हो। माजा ताकुलू फी गदाई आकुलू आकुलू अर्जु आकुलुल नमक अरुजा, इसके ऊपर फेल करेक्शन हो रहा है। आकुलुरुजा तमकु अर्जु वस्तमका उस समका वल्फाकिहता। वल्फा किया था। ठीक ठीक है जी। है खाना तो सर खुद बनाते हैं या बाहर से खाते हैं। बाहर से भी खा लेता खुद भी बना लेता। ठीक है उधर वो हलाल खाना मिल जाता है आसानी से। जी सर काफी मुस्लिम है इधर शियान में। माशाल्लाह। ठीक है जी नेक्स्ट सवाल पढ़ें। आपने वो काम नहीं किया कल वाला। वो होमवर्क भी था सर। जी कल होमवर्क था ना थोड़ा बहुत। जी सर वो मैं आज इंशाल्लाह सेंड कर लूँ। ठीक हो गया पढ़ें सवाल। तदरीब अव्वल उक्तुब रकमा रकमा अव्वल अला रकमा तुआमी। वाहिद, अव्वल का मतलब होता है पहला, वाहिद का मतलब होता है नंबर एक। ठीक हो गया। तदरीब अव्वल उक्तुब रकमा वाहिद अल तुआमी व रकम सानी सानी सर रकमा सानी सर इस्नान इस्नान इसना अल शराबी यानी ये सवाल की समझ आई है। तुबु रकमा नंबर लगाए पहले। उक्तुब का मतलब है लिखो, रकमा वाहिद नंबर एक लिखो, अलतामी खाने पर, जो खाने की चीज़ है इनमें उसके ऊपर आपने वन लिख देना है। वह रकमा इस्नान अल शराबी, और जो पीने की चीज़ है उसके ऊपर टू लिख देना है। ठीक है ठीक हो गया जैसे सर। नमक खाने की चीज़ है तो आपने वन लिखना है, पानी पीने की चीज़ है तो आपने टू लिख देना है। अगला सवाल। अल तदरीबु सानी सिल्ला बैना कलिमतीन कलिम तैनी नील कलिमतैनिल मुतजादतीन तैनी मुतदादतैनी मुतजादतीन ऑपोजिट को जोड़ें। बिल्कुल अपोजिट, दो अल्फाज को आपस में जोड़े हैं। तो ये आपका होमवर्क है।
सही है, सर। कोई मसला परेशानी? नहीं सर। नेक्स्ट। مفردات إضافية على الأرض انظر واستمع وعد और जो पहले आपने कॉटिंग पढ़ी थी वो मुजक्कर की थी, अब मोनस की है। पहली औरत है, दूसरी औरत है, तीसरी औरत, चौथी औरत, पांचवी औरत, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ें जरा। अवली अलूला, अलूला असानिया सलासा असानिया, असालिसा, असानिया सालिसा अरबिया अर राबिया, रा के ऊपर शद्दा है तो लाम साइलेंट हो जाएगा, अर राबिया। अरबिया अलखामिसा नेक्स्ट। अल तद्रीब अलअव्वल रतिबिल अदादा, रतिब का मतलब होता है तरतीब दो इदाद नंबर्स को। तरतीब दे, सही है, सही। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल पढ़ें। तिल्ले बहीन आददी अददा अददी वतरतीबी नंबर को उसकी पोजीशन के साथ जोड़ देना है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है। तदरीबु सालिस सही। तिल्ले बहीन आददैनी अददैनी दो नंबर्स को आपस में जोड़ना है, तो ये भी आपका होमवर्क है। कोई मसला? मतलब कि एक एक जो है वाहिद वाले हैं, एक जमा वाले हैं। नहीं, मुजक्कर मोनस है। अलावल से मुराद होता है पहला, अल ऊला से मुराद होती है पहली, ये मुजक्कर मोनस है। ठीक सर। नेक्स्ट। अल तदरीब अव्वल तबादल सवाल जवाब मा जमील कमा फिल मिसाल عين الغداء، أين الغداء؟ الغداء على المائدة. ठीक है। खाना कहाँ है؟ बिल्कुल। الغداء खाना على المائدة. दस्तरखान पे है؟ हाँ, लंच लंच दस्तरखान पर है। गदा का जो एग्जैक्ट मतलब है वो है लंच, लंच दस्तरखान पर है। अच्छा। الفطور؟ الفطور على المائدة. सही हो गया। على العشاء. नेक्स्ट। هذا تأكل في الغداء الغداء أين العشاء؟ अच्छा ये वाला أين العشاء؟ العشاء على المائدة. ठीك है। أين السمكة؟ أين السمكة؟ जिस चीज के बारे में सवाल पूछा जा रहा है उसके आखिर में हम दम्मा लगाते हैं। أين السمكة؟ السمك على المائدة. أين الدجاج؟ الدجاج على المائدة. أين الماء؟ الماء على المائدة. الماء الماء على المائدة. أين الفاكهة؟ أين الفاكهة على المائدة؟ الفاكهة على المائدة. الفاكهة على المائدة. أين القهوة؟ القهوة على المائدة. أين الحليب؟
الحليبي على المائدة، الحليب الحليب على المائدة، تقابل السؤال والجواب جواب مع زميلك كما في المثال. تبادل المثال على تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال ماذا تأكل في الغداء غداي؟ तुम लंच में क्या खा रहे हो क्या खाते हो? खाते हो हाँ कुलुल लहमा मैं गोश्त खाता हूँ। आकुलुल लहमा मैं गोश्त खाता हूँ आकुलुल आकुलुस समका मैं मछली खाता हूँ बस ट्रांसलेशन दो आकुलुल नहीं। आकुलुल आकुलुल दज्जाजा आकुलुस सलाता आकुलुल अरगा आकुलुल खुबजा आकुलुल फाकिया नेक्स्ट अल तकरीब मालिक ठीक है अल अल विल अल विल समाफिल मिसाल हाउ विल का क्या मतलब How है? will... नहीं पता कन्वर्ट करें चेंज करें ठीक हो हाउ विल का माफिल मिसाल मिसाल को चेंज करें चेंज करें जैसा कि मिसाल में किया गया है। ताकुलु तामा ला ताकुलु तामा ला नहीं ताकुलु तामा नहीं मैं खाना खा रहा जाइए कुछ समझ आई या नहीं आई? या कुलु तामा मैं खाना खा रहा हूँ नहीं 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 या कुलु का मतलब है वो खा रहा है। ठीक है अच्छा ये या कुलु का मतलब है। अब आपके सामने अगर कोई बंदा खाना खा रहा हो आपने उसको मना करना हो तो दो चीजें आपने करनी है। क्या टाइम मैं आपको लिख के दिखाता हूँ फिर शायद सही समझ आए आपको। बोर्ड नजर आ रहे हैं ना? सही और एक ताल लगा देना ये बोर्ड नजर आ रहा है आपको? जी सर ठीक है जी। अब अगर आपने किसी को मना करना हो खाने से तो पहली चीज आपने करनी है शुरू में लगा देना है ला। क्या लगा देना है? ना और चूंकि बंदा आपके सामने है तो आपने या के बजाय ता लगाना है। ठीक है जी सर और मतलब चूंकि आप हुक्म दे रहे हैं उस बंदे को क्या कर रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं तो आखिर में आपने दम्मा को उठाकर सुकून लगा देना है। क्या लगा देना है? सुकून। कौन हाँ तो ये तीन स्टेप हैं। पहला ला लगाना है, दूसरा फेल के साथ ता लगाना है क्योंकि बंदा आपके सामने खड़ा है, और तीसरा उसके आखिर में आपने सुकून लगाना है क्योंकि आप उसको हुक्म दे रहे हैं मना कर रहे हैं। ठीक हो गया? पढ़ना दम ही है नहीं पढ़ना नहीं दम ही है इसको सुकून नहीं पढ़ना क्योंकि ये फेल हमारा है। ला ता कुल। ठीक सर अब फर्ज किया कोई इसके बाद ऐसा लफ्ज आ जाता है जिसके शुरू में अलिफ लाम है। क्या लगा हुआ है? अलिफ लाम। जैसे अलिफ ला ता कुलित तामा। अब इसके शुरू में अलिफ लाम है तो लिखेंगे सुकून पढ़ेंगे कसरा। ला ता लाम कुलित तामा। ओके जी सर कोई मसला? नहीं सर ठीक है जी। नेक्स्ट याकुलु तामा ला तो ला ताकुलु तामा ताकुलित तामा। स्कूल लिखेंगे पढ़ेंगे कसरा। ताकुलु तामा नेक्स्ट यगलुसुल मलाबे यक्सीलुल मलाबिसा। तगसिलुल मिलाबिसा ला तगसिलुल मिलाबिसा ला तगसीलिल मलाबिसा। फेल अमर के आखिर में सुकून होता है अलिफ लाम की वजह से कसरा पढ़ेंगे। ला तगसिलुल मिलाबिसा
ठीक है, ला तक नुसिल गुरफाता, ला तक नुसिल गुरफाता, शायद वो कोई आगे मैंने कर तो दिया चैन, पता नहीं हो गया। यकराउल रहीपा, यशराबुल हलीबा, यशराबुल हलीबा, यशराबुल हलीबा, ला अशराबिल हलीबा, यतलुबुस तमका, ला तत्लुबिस समका, अक्राउल सहीफा, ला तक्राइल तक्राइल सहीफा, शाहिदुल तिल्फाज, ला युशाहिदु तिल्फाजा, युशाहिदु तिल्फाजा, ला तो शाहिद तिल्फाजा। ठीक हो गया, यहाँ पे हम रुकते हैं, कोई मुश्किल लफ्ज़ और सवाल हो तो पूछ लें। नहीं सर।